हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जिनने भी अभी तक मेरे ओल्ड वीडियोस नहीं देखे, पहले तो लाइक करके सब्सक्राइब बटन दबा के गेट नोटिफाइड हो जाओ। और साथ ही में जो है, जिसने अभी तक माय वाइफ इज दाजी के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ चेकआउट करना मत भूलना। 1 से लेकर जितने भी एपिसोड है, 30 या 40 तक, तो वो सारे वॉच कर लेना। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में, जैसे कि हमने देखा था, जो लिंगशाओ होता है वो एक बंदे को लाकर एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और वहाँ पे जो है अपना कुछ वो लगा देता है। अब वो बंदा जो कि काफ़ी घबराया हुआ होता है और कह रहा होता है कि जी कौन बताओ, जी शा वो लिंगशाओ बताओ कि इसका मतलब क्या है। वो लिंगशाओ क्या कहता है कि इसका सिंपल सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारी यहाँ पे मौत आ चुकी है और अब मैं तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे कैद कर लिया है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो उसके पूरी तरह से मारने के लिए रेडी होता है। और यहीं पे जो है वो बंदा कहता है, पर याद रखो एक बात बताओ, क्या तुम तो मजाक कर रहे हो? और ये बात बताओ कि मैंने जो है जी को उनको प्रोटेक्ट करा है, और मैंने जो है मैंने तो वो तो बिल्कुल ठीक है, तो तुम मेरे को यहाँ पे मारने क्यों जाते हो? अब मेरे को यहाँ से जाने दो। लिंगशाओ कहता है, हाँ तुमने उसको प्रोटेक्ट करा है, पर मेरी सच्चाई कोई नहीं जानता। पर अब यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि तुम यहाँ पे मरना होगा, क्योंकि अगर वो स्पिरिट हंटर सारे नहीं होते तब तक मैं मर गया होता। वो कहता है, पर क्या तुम यहाँ पे मजाक कर रहे हो लिंगशाओ? एक बात याद रखो, तुम्हें उन स्पिरिट हंटर से दूर रहना चाहिए, जितने भी वो तुम्हारे आसपास घूमते रहते हैं, वही स्पिरिट हंटर लड़की और वही स्पिरिट हंटर लड़का और एक फॉक्स स्पिरिट, उससे भी तुम दूर रहना, भले वो स्पिरिट है पर फिर भी। अब यहाँ पे ये इसको कमज़ोर करना चाहता है लिंगशाओ का, पर लिंगशाओ उसके बात को समझ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे को क्या दूसरों से अलग करना चाहते हो, पावरफुल लोगों से, ताकि मैं और भी पिटूँ? ऐसे तो कभी नहीं होने वाला, तुम जो मेरा उखाड़ना चाहते हो वो उखाड़ लो। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात को एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे बस तुम सिंपल सा मरने वाले हो। वो कहता है, अच्छा मैं मरने वाला हूँ, तो मैं मरने से पहले तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊँगा और तुम्हें भी अपने साथ ही मरूँगा लेके। इसी के साथ वो अपने पास से कुछ टर्टल जैसा निकालता है और उसको घुमाने की तरफ लगता है, और काफ़ी तेज़ी से घुमाते हुए लिंगशाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और उसमें शायद से ब्लेड तो लगी है, पता नहीं, लगे तो नहीं है। उसी के साथ जो है वो कहता है लिंगशाओ सीटी जाते हुए कि एक बात याद रखो, मैं तुम्हारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ, तुम्हारी बॉडी को। और वो विसल बजाता है, जिसकी वजह से वो जो है स्लैम स्लैम करते हुए इधर उधर टकराने लगता है। और यहाँ पे लिंगशाओ कहता है कि देखो, अब तुम मेरे से नहीं बच सकते, क्योंकि तुम पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में, अगर तुमने कुछ हरकत की तो तुम यहीं पर मर जाओगे। वो कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है, ये बंदे को मेरे पास इतना कंट्रोल, ये बंदा मेरे पर कंट्रोल कैसे कर सकता है? वो अपने पास से वो टर्टल वाला ब्लेड से निकालता है और उसको लिंगशाओ की तरफ फेंक के कहता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज मैं तुमको यहीं पर मार डालूंगा और तुम्हारे तुम्हें जो है अपने इस जो है इस ब्लेड की मदद से काट दूंगा और तुम काफ़ी इजीली स्लाइस हो जाओगे और तुम आज नहीं बचने वाले। पर यहीं पे लिंगशाओ उसको काफ़ी इजीली उसको रोक देते हैं और कहते हैं, मुझे लग रहा है कि तुम जो है यहाँ पे मरने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे वाटर मिरर की वजह से ये ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि इसी के साथ जब वो चुटकी हो जाते हैं और कहते हैं, चलो गुई गुई, अब मेरे इशारे पे नाचो, क्योंकि अब तुम जैसे ही करोगे जैसा मैं सोचूंगा। वो यहाँ पे काफ़ी घबरा जाता है और कहता है यू, और इसी के साथ वो कहता है, पर मैं तो कुछ किया ही नहीं। वो कहता है, अरे कमीने कही कि अगर तूने कुछ किया नहीं तो चुटकी क्यों बजाई? पर यहाँ पे वो कहता है, मैं तो सिर्फ थोड़ा मजाक कर रहा हूँ तुम्हें मारने से पहले। चलो अब मजाक बहुत हुआ, थोड़ा तुम्हें तड़पाते हैं, तो थोड़ा स्टेप पीछे हट जाओ। वो नीचे गिर जाता है। इसी के साथ वो कहता है, अरे ये हो क्या रहा है, ये मेरे मैं इसके कंट्रोल में हूँ या फिर मैं इसको यहाँ पे मारने वाला हूँ, ये मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा दिमाग पागल हो रहा है। पर यहाँ पे वो फिर से नीचे धमधड़ाम से गिर जाता है और कहता है, मेरी बॉडी बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्या ये कोई साइकिनेसिस है या फिर कुछ और? पर यहाँ पे वो कहता है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? और वो कहता है, अब तुम्हें यहाँ पे सिर्फ शांति से मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ यही काम बचा है, क्योंकि अब तुम यहाँ पे मेरे से नहीं जीत पाओगे। वो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं मरने जा रहा हूँ। और यहाँ पे वो एक्टिंग करने लगता है और लिंगशाओ उसके पास आता है और कहता है, अच्छा ये तुम्हारी सड़ी हुई एक्टिंग? वो यहाँ पे वो कहता है कि देखो मेरे को मारना मत, प्लीज़ मेरे को छोड़ दो। पर यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, अब तुमने सब कुछ सबको बता दिया है, तो अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा, और मैं भी यहाँ पे खुद भगवान भी आ जाए तो वो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि तुमने ऐसा काम ही किया है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि चलो अब तुम्हारी जो है ईजिली डेड ढूंढते हैं। अब वो कहता है, कुछ गाना गाने लगता है एक स्पीकर के सामने, वो शेर जैसा उसके हाथ में स्पीकर होता है, और वो जो है शेर जैसे स्पीकर के साथ उसके ऊपर काफ़ी जोर से गाना बजाता है, या फिर बोल सकते हो गाना गाता है। और यहाँ पे वो जो है उसके मुंह से खून निकलने लगता है, नाक से, आँख से, कान से, पूरी जगह से उसका खून खून निकल जाता है। वो कहता है, अरे नहीं यार, तुमने तो मेरी लिरिक्स ही बिगाड़ दी, कितना अच्छा गा रहा था मैं, तुमने चिल्ला के मेरी लिरिक्स बिगाड़ दी। वो कहता है, चलो ये सब छोड़ो,
इसका जो है मेरे को बॉडी को गायब करना होगा। और इसी के साथ जो है वो कहता है कि अब यहाँ पे ये पूरी तरह से मर चुका है, और साउंड एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं इसको इजीली मार सकता था, बट मैंने थोड़े इसके मजे लिए। और इसी के साथ जो वहाँ पे खून खून होके मर जाता है। लिंगशो अपने पास से कुछ चीज़ निकालता है और कहता है चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे जो है ये वराइटी जो है कुछ कहता है जिप्सा, और उस पीली सी चीज़ को उसके मुंह के अंदर डाल देता है। और इसी के साथ जो मुंह के अंदर डालता है नहीं, वो उसके बॉडी में डालता है जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। और इसी के साथ जो है वो उसको यहीं पे पूरी तरह से राख राख कर देता है और गायब गायब कर देता है। इसी के साथ वो कहता है चलो इसका काम तो हो गया, और यहीं पे इसको मार देता है। नेक्स्ट सीन एम्प्टी ऐसी जगह का होता है जहाँ पे जो है पूरी तरह से सब कुछ खाली हो गया। जीशो की सिस्टर कह रही होती है तुम तो बहुत बड़े ढकी हो, वो कहता है पर क्यों। और यहाँ पे वो कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम मेरे को ठरके कह रही हो। तभी उसकी उसको पकड़ती है और कहती है देखो तुम्हारे कितने बड़े हैं, तुम बहुत बड़े ठरकी हो और तुमने अपना रूप बदला है लड़की में, पर तुमने अपने इसको कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया। वो कहता है ये असली है तो तुम इसको छुओ मत। वो कहती है कि देखो अगर तुम बिल्कुल भी लड़की जैसा बिहेव नहीं कर रही, अगर लड़की होती तो कोई थप्पड़ मार देता या काफ़ी चिल्लाने लगती शर्माने लगती जब एक लड़की एक लड़की के ऐसे करती है। तो देखो कोई बात नहीं, बट अभी जो है तुम्हें जो है बिल्कुल भी तुम्हारा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। पर इसी के साथ जो वहाँ पर दाजी आती है और जीशे के पास आती है, और जीशे कहता है क्या तुम बिल्कुल ठीक हो, और तुम्हें जो है मेरे को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। दाजी कहती कि अरे मैं तो बस उनका पीछा कर रही थी पर वो बच के निकल गए। तो वो कहती है जीशु की सिस्टर देखो दाजी तुमसे वो क्या कह रहा है, तुमसे कह रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, इसका मतलब समझी। तभी दाजी हाँ बोलती है हाँ मैं समझ गई, और वो कहती है कि हाँ उनने मेरे को बहुत मारा पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उसके साथ चिपट जाती है। जीशु को कुछ समझ नहीं आती, पर यहाँ पे वो जो है कहता है ये तो बहुत ओवर एक्टिंग करती है। इसी के साथ जो है वो कहती है देखो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आने वाली है। जीशो कहते हैं क्या वाकई में इतनी सारी गाड़ी, वो उसको बताती कि कैसी गाड़ी है, कुछ लाल लाल सी और उनके ऊपर पाइप लगी है, यहाँ पे बोल सकते हो फायर ब्रिगेड की होगी, किसी ने फ़ोन कर दिया होगा। वो कहती है जीशो की सिस्टर लगता है कोई ने फ़ोन कर दिया है फायर ट्रक को, तो वो सारे लोग आ रहे हैं पर फ़ोन किया किसने वो अता पता नहीं है। तो यहाँ से वो आने वाले हैं तो हमें जल्दी से जल्दी जीकोन और ये इन सभी को लेके जाना होगा वरना काफ़ी सारी मुसीबत खड़ी हो सकती है। वो कहता है पर वो लोग हमें अंदर नहीं जाने देंगे, वो बच्चों की बात कर रहे होते हैं जो कि जीकोन के साथ होते हैं, जीकोन के परिवार होते हैं। तो वो कहता है कि अब क्या करें इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, पर ये हटेंगे भी नहीं इतनी आसानी से। वो कहती है तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या इनको बेहोश कर दें या फिर कुछ और, या फिर हम इनको लेके यहाँ से भाग जाए, या फिर कुछ और करना चाहिए, या फायर ब्रिगेड को आ जाने देना चाहिए। उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती है। लिंग जीकुन कह जीशाओ कहता है तो चलो यहाँ से जल्दी जो है फायर फाइटर को जो है फाइटर हाँ जो है जल्दी से जो है इनको हटा के जो है जल्दी से जल्दी अंदर जाते हैं। फिर यहाँ पे जो है लिंगशाओ आते हैं और कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और अब जो है सैनपाई मैं वापस आ चुका हूँ। वो कहती है जल्दी से जल्दी जीक उनको बाहर ले गया, और क्या तुमने टर्टल को मार दिया। वो कहता है हाँ उसको तो मैंने मार दिया, और जो है अब जल्दी से यहाँ से जीक उनको लेके जाना होगा। वो कहता है जीकुन को जल्दी से ले आओ, या फिर बोल सकते हो जीकुन को जल्दी से बुला लाओ, उठा लो। और इसी के साथ गू कहती है कि ये क्या चल रहा है। इसी के साथ जो है हमें दिखाया जाता है वो सारे लोग बात करने लगते हैं। फिर जो है जीशा लिंगशा होते हैं वो जल्दी से जीकुन को एक उसमें ले आते हैं एक बर्तन में, और कहते हैं देखो ये बिल्कुल सही सलामत है और अब ये खतरे से बाहर है। सभी लोगों सभी बच्चों से कह रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है, तुम चाहो तो इसको देख सकते हो। जीशा कहता है जीकुन कहाँ है। अब यहाँ पे वो कहता है कि देखो बिल्कुल ये रहा, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है, और यहाँ पे वो कहता है जीशो कि ये क्या है, ये जीकुन है। और तभी वो अंदर देखते तो एक छोटी सी मछली होती है। जीशो कहता है क्या ये अभी भी जिंदा है। दाजी कहती है क्या यही जीशो वो जीकुन है, अब की क्या इसकी हार्ट बीट रुक गई है। और यहाँ पे जो वो होती है जीशो की सिस्टर वो कहती है पता नहीं, बट अभी इसको देख के मैं क्या कहूँ, या इसका ये बैड लक है या तो फिर ये लकी है। लिंगशाओ कहता है कि देखो जीकुन की जो फ्लैशी बॉडी है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है, और बट इसके आउटकम बेस्ट है। पर इसी के साथ अपने एपिसोड को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये जीकुन को वापस दोबारा हील कर पाएंगे या फिर कुछ और होने वाला है, क्योंकि मैंने अभी तक इसका नेक्स्ट एपिसोड नहीं वॉच किया क्योंकि सारी वीडियो तो यार मैं आपके बनाने पे ही लगा देता हूँ सारा नेट। मुझे डेली का जो है 1.5 GB मिलता है,
और वो सारा मैं जो है दो वीडियोस में लगा देता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तीन वीडियोस को अपलोड करना तो भी मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे को जो है पूरे एक दिन में जो है 1.5 GB ही मिलता है, 1.50 GB। तो इसके अलावा मैं और नई वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। और हाँ, संडे को एक एनिमे आने वाला है जो कि काफ़ी मज़ेदार होना है, प्लीज़ उसको वॉच करना ना भूलना। डेली संडे जो है, हर संडे को जो है दो दो एपिसोड आएगी उस न्यू एनिमे कॉमिक्स की, तो प्लीज़ वॉच करना ना बोला, बहुत एनिमे मस्त है यार। तो अभी के लिए अपने एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।